दोस्तों, क्यों किया गया श्री कृष्ण का तुलादान? दोस्तों, जब श्री कृष्ण ने कालिया नाग का वध किया, उसके बाद गोकुल में नंद बाबा ने अपने पुत्र श्री कृष्ण के तुलादान का आयोजन रखा। इस आयोजन में सभी ग्वाल और यादव बिरादरी के लोग आए थे। उस दौरान देवी राधा और उनके पिता ब्रिजवान भी मौजूद थे। वहां सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं। श्री कृष्ण के पीछे देवी राधा बैठी मुस्कुरा रही होती हैं। सामने मैया यशोदा और रोहिणी मैया बैठी रहती हैं। तभी एक ऋषि कहते हैं कि नंद जी, अब श्री कृष्ण को बुलाइए। भगवान श्री कृष्ण को तराजू के एक पलड़े में बैठाया जाता है, दूसरे में हीरे जवाहरात रख दिए जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के वजन से पलड़ा उनका ही भारी रहता है। नंद बाबा ये देखकर हैरान रह जाते हैं। तब वे कहते हैं कि एक थैला और लाओ। तब मोतियों की एक थाल रख दी जाती है, लेकिन फिर भी पलड़ा बराबर नहीं होता है। तब नंद बाबा मैया यशोदा की ओर देखने लगते हैं। फिर वे कहते हैं, एक थैला और लाओ। राधा कृष्ण एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। मोतियों से भरे उस दूसरे थैले से भी कुछ नहीं होता है, तो यशोदा मैया और नंद बाबा हैरान हो जाते हैं। पुरोहित भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि कान्हा में इतना वजन कैसे आया। तब नंद बाबा कहते हैं, और थैले लाओ। और लाए जाते हैं, उनसे भी तराजू का कांटा हिलता तक नहीं है। सभी थैले समाप्त हो जाते हैं। तब यशोदा मैया उठकर एक एक करके अपने सारे गहने निकालकर रख देती हैं। उनके आसपास बलराम जी और देवी राधा भी खड़े हो जाते हैं। फिर धीरे से दाऊ राधा के पास जाकर कहते हैं कि अब तुम ही कुछ करो। राधा जी समझ जाती हैं। फिर राधा जी उन्हें अपने बालों में लगे वेणी के फूल तोड़कर दे देती हैं। बलराम जी वे फूल लेकर तराजू के दूसरे पलड़े पर रख देते हैं। पलड़ा एकदम से झुककर नीचे जमीन से लग जाता है और श्री कृष्ण ऊपर हो जाते हैं। सभी प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगते हैं। तब नंद बाबा पूछते हैं, ये क्या था? ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है? ये सुनकर यशोदा मैया राधा जी की ओर देखने लगती है। नंद बाबा फिर से बलराम से पूछते हैं, ये कैसा चमत्कार था? तब बलराम जी कहते हैं कि ये एक दिव्य प्रेम का उपहार था। श्री कृष्ण को केवल प्रेम से तोला जा सकता है। अब आप ही जरा सोचिए, जो इस पूरी दुनिया का मालिक है, उसे सोने चांदी से कैसे तोला जा सकता है? वह तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। आई होप आप सबको मेरी ये कहानी अच्छी लगेगी। अगर आप और भी कहानी जानना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट पर मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइज़।